आजकल रणवीर सिंह को उनके न्यूड फोटो शूट के चक्कर में काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और उनके खिलाफ चार धाराओं में FIR भी दर्ज की गई है। क्या रणवीर सिंह ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में न्यूड फोटो शूट कराया है? आइए जानने की कोशिश करते हैं और क्यों इनके ऊपर FIR दर्ज की गई है, इसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश चंद्रा, आप देख रहे हैं रिवाइंड इंडिया। यदि बात रणवीर सिंह की जाए तो ये अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने कपड़े पहनने के स्टाइल की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार तो ये बिना कपड़े पहने ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल रणवीर सिंह का सुर्खियां बटोरने का कारण पेपर नामक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू और उसके लिए कराए गए फोटोशूट का होना है। एक तरफ रणवीर सिंह इस फोटोशूट को कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखे तो दूसरी तरफ हमारे देश के लोगों ने उनको इस पर ट्रोल भी किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक ग्रुप ने इनको इस बात पर सपोर्ट भी किया है। क्या प्रॉब्लम है, पहली बार कोई आदमी ऐसा कर रहा है? हम लोगों को भी आंखें सेकने दीजिए ना। शायद उन लोगों के पास ज़्यादा काम नहीं है तो इसीलिए इन चीज़ों पर वो वक्त गंवा रहे हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो पेपर बंद कर दीजिए, फेंक दीजिए, जो करना है करिए। FIR के चक्कर में क्यों पड़ना है? रणवीर सिंह को उनके द्वारा कराए गए फोटो शूट के लिए चार अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ये धाराएं हैं IPC की 292, 293 और 509 तथा इसके अलावा IT एक्ट की धारा 67A के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। क्या कहती हैं ये धाराएं, आइए इनको भी जानते हैं। IPC की धारा 292 में हमें अश्लीलता की डेफिनेशन को बताया गया है, यानी कि इसमें बताया गया है अगर किसी किताब, पेपर, पैम्पलेट, मैगजीन, लेख, ड्राइंग या ऐसी किसी भी चीज़ को कामुक माना जाएगा जिससे लोग भ्रष्ट हो सकते हैं। इसकी पनिशमेंट की बात की जाए तो इसमें 2 साल की सजा और 2000 रुपये जुर्माना शामिल है तथा यह एक जमानती अपराध है। रणवीर सिंह पर दूसरी धारा लगी है धारा 293, इसमें बताया गया है अगर कोई व्यक्ति 20 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को ऐसी सामग्री बेचता या दिखाता है जो अश्लील हो तो वह व्यक्ति दोषी माना जाएगा। इसकी सजा की बात की जाए तो पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा और 2000 रुपये जुर्माना है तथा दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और 5000 रुपये जुर्माना है तथा ये भी एक जमानती अपराध है। इसके अलावा रणवीर सिंह पर IPC की धारा 509 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा को अनादर करने के मकसद से कोई शब्द या आवाज़ निकालता है या किसी ऐसी वस्तु को दिखाता है जिससे स्त्री की गरिमा का अपमान हो तो वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अगर इसकी सजा की बात की जाए तो इसमें 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों शामिल हैं। IPC की इन तीन धाराओं के अलावा रणवीर सिंह पर IT एक्ट की धारा 67A के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी ऐसी सामग्री का प्रकाशन करता है जो कामुक हो या यौन कृत्य वाली सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण करता है तो यह धारा लगाई जाएगी। अगर इस धारा के तहत सजा की बात की जाए तो पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा और 7 लाख रुपये जुर्माना तथा दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा तथा 10 लाख रुपये जुर्माना शामिल है तथा यह एक गैर जमानतीय अपराध है। रणवीर सिंह ने फोटो शूट कराया, इसके बाद इन फोटोज को सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया जिसके बाद उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है और लोगों के द्वारा इनको गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं रणवीर सिंह ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ऐसा कोई फोटोशूट कराया है। आज से 25 साल पहले मिलिंद सोमान नाम के एक फेमस मॉडल के द्वारा ऐसा ही फोटोशूट कराया गया था। फर्क बस इतना है इस फोटोशूट में रणवीर सिंह अकेले हैं लेकिन मिलिंद सोमान के साथ एक फीमेल मॉडल भी थी। मिलिंद सोमान और रणवीर सिंह के अलावा आमिर खान भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना नेकेड फोटोशूट कराया था। इस फोटोशूट को कराने की वजह आमिर खान के लिए PK मूवी थी जिसमें उन्होंने रेडियो का सहारा लिया था और आज के समय पर रणवीर सिंह के द्वारा पेपर नाम की एक मैगजीन के लिए ये नेकेड फोटोशूट कराया है। ये तो मेल मॉडल और एक्टर के बारे में, लेकिन फीमेल मॉडल और एक्टर भी ऐसे मिलते जुलते फोटोशूट आए दिन कराती रहती हैं जो कि उन्हें न्यूज में बनाए रखने का काम करता है। आपको क्या लगता है इस सब पर, आप भी अपना कमेंट सेक्शन में राय दीजिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।